फ्रेंड्स, स्ट्रॉ से डॉल डेकोरेट करने के लिए आपको चाहिए एक पैकेट स्ट्रॉ का, लेस, डॉल, टू डिफरेंट टाइप्स थ्रेड, सीजर और ये निडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी निडल में थ्रेड डालना होगा इस तरीके से। अगर आपके पास मोटा वाला थ्रेड है तो आप इसे सिंगल डाल सकते हैं, मेरे पास पतला था तो मैंने इसे डबल करके डाला हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लेंगे इस पैकेट में से आपको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉ ले लेना है। और निडल की हेल्प से वन बाय वन करके इस तरीके से थ्रेड में इन स्ट्रॉ को डालना है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रो हैं वो अराउंड 10 to 15 आपको इजीली आपकी मार्केट में मिल जाएंगे और ये जूसर शॉप वगैरह पे भी यूज़ होते हैं। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हो आप, मैंने ये जिस कलर के थ्रेड लिया है उसी कलर के स्ट्रॉ भी लिए हैं। आप इसे डिफरेंट कलर में भी ले सकते हैं क्योंकि ये शो तो होगा नहीं वैसे, बट हाँ, जो लेस के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो सेम कलर का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये सारे स्ट्रॉ इसमें डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे स्ट्रो इस थ्रेड में डाल लिए हैं। अब मैं यहाँ से कट कर दूँगी और सेम इसी तरीके से मुझे नीचे भी सारे स्ट्रो में थ्रेड डालना होगा। पहले इधर एक नॉट लगा देती हूँ लास्ट में। वन बाय वन करके हम इसमें भी इसी तरीके से थ्रेड डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थ्रेड को हमने दोनों साइड डाल दिया है स्ट्रॉ में। उसके बाद हमें वन साइड से, किसी भी साइड से आप लेके वन साइड से स्ट्रॉ को खींच खींच के, धीरे धीरे खींच के इस तरीके से स्ट्रॉ को पास पास लेके आना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इसके अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा है तो हमें अभी इसे खींच खींच के और पास लेके आना होगा ताकि इसके कमर में के मेज़रमेंट में फिक्स बैठे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कर लिया है। अब हम अपनी डॉल के कमर की साइड इन पाइप को रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमें टाइटली एक नॉट लगानी होगी। उसके बाद हमने नॉट लगा ली है, अब सीजर की हेल्प से इस थ्रेड को कट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नॉट भी लगा लिए। उसके बाद जो हमने नीचे थ्रेड यहाँ पे डाला था इसको भी हमें नॉट लगानी है। तो फ्रेंड्स, हम इसको पहले इसको भी थोड़ा क्लोज क्लोज कर लेते हैं, स्ट्रॉ को भी, और यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे और यहाँ पे नॉट लगा दी है। नॉट लगाते टाइम फ्रेंड्स ये याद रखना कि जो ऊपर वाली नॉट होगी उसे काफ़ी टाइटली लगाना है ताकि ये डॉल जो इस तरीके से फिक्स हो जाए। इस तरीके से देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपके पहले हुए जो स्ट्रॉ बचे हुए थे वो स्ट्रॉ लेने हैं, ये वाले। इनके लिए फ्रेंड्स आपको स्ट्रॉ लेके इसका सेंटर पॉइंट करते हुए थोड़ा सा फिंगर से इसको सेंटर पॉइंट को फिंगर से प्रेस करना है ताकि वी शेप में आ जाए। इस तरीके से हम सारे स्ट्रॉ को इसी तरह वी शेप में ले आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपने सारे स्ट्रॉ को वी शेप में कर दिया है इस तरीके से। अब हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ का इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। अब हम सारे स्ट्रॉ को यहाँ से थ्रेड मिलेंगे। अब फ्रेंड्स निडल के थ्रू हम वन बाय वन करके सेंटर पॉइंट से थ्रेड मिलेंगे सारे स्ट्रॉ को इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे स्ट्रॉ को इस थ्रेड में डाल दिया है। अब हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी नीडल में थ्रेड डाल दिया है। अब हम नीचे से भी सारे स्ट्रॉ को थ्रेड में डालेंगे नीडल के थ्रू इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स हमने ये सारे स्ट्रॉ को थ्रेड में डाल लिया है। अब हम यहाँ से कट करके नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस साइड से कोई भी वन साइड ले लेंगे हम, यहाँ से सारे स्ट्रॉ को पास पास करना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें एक नॉट लगा देनी है। और सीजर से कट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने ऊपर थ्रेड डाला है इसको भी हम हल्का हल्का सा खींच के स्ट्रोक अपना पास पास लेके आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको पास पास कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम एक नॉट लगा लेंगे। इसको राउंड सा शेप देना है हमें इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स ये अभी इस तरीके से है। अब हमें इसको इस तरीके से पास ले जाते हुए यहाँ पे एक दो हम टाँके लगा देंगे ताकि ये इस तरीके से रहे थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से जोड़ लिया है। अब हम अपनी डॉल को लेंगे और ये जो खुला हिस्सा है वो हमारी डॉल के इधर रहेगा नीचे इस तरीके से। अगर आपके पास ग्लू गन वगैरह है तो आप आपको डायरेक्टली इसे स्टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर निडल की हेल्प से ही यहाँ पे अटैच करना होगा।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीजर के हाथ से कट कर देंगे। अब हमें अपनी डॉल की ड्रेस पर ये लेस यूज़ करनी है। लेस यूज़ करने के लिए आप फेवी बॉन्ड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये निडल के थ्रू इसे स्टिच भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम इस लेस को कट कर देते हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे इस तरीके से। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस कलर का आप, मैंने बता दिया है वैसे, जिस कलर का भी आप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं और लेस सेम कलर की होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फेवी बॉन्ड से बता देती हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस का यूज़ कर लिया है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये छोटी सी लेस लेनी है। हम इसकी नेक पे यूज़ करेंगे और इसके हेड पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। इसको इस नेक पे स्टिक कर दिया है। अब हम इस तरीके के स्टार्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्स को यूज़ कर लिया है। अब हम लास्ट में ये करना है, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टार्स निकल रहे हैं, उन्हें सीजर की हेल्प से कट करके थोड़ा फिनिशिंग दे देनी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी डॉल रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।